एकदम विमुख हो गए हैं, तो जो रहेगा वो जैसा कहेगा वही सब लोग मानेंगे। एक बार 1984 में हमारे महाविद्यालय पर मथुरा राय जी के प्रयास से एक भूमिहार सम्मेलन हुआ था, उसमें डॉक्टर रघुनाथ सिंह जी भी आए थे, वही अध्यक्ष थे। तो बड़ी प्रसन्नता उन्होंने व्यक्त की। बाद में कुछ खटपट हुई तो कहा, अरे आपके यहाँ तो थोड़ा सा है पछा वाले, तो मारपीट तक करते हैं आयोजन में। स्वामी जी महाराज जी ने कृषि कर्म को ब्राह्मण कर्म घोषित कराया था, लेकिन साथ में सदाचार विनम्रता इसको भी जोड़ने की बात की थी, संध्या प्राणायाम गायत्री सरलता। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बरिसहि जलद भूमि नियराए यथा नवहि बुत विद्या पाए, कि बादल जब पानी बरसना होता है बहुत नीचे आ जाता है। इसी तरह से ब्राह्मण या जो भी हो विद्या जब यहाँ रहती है तो वहां विनम्रता पहला है कि आचरण में हमारे विनम्रता आए। अब जहां जब धूर्तता और ये लंठई का भाव आएगा तो वहां विनम्रता कहां से आ जा सकती है। स्वामी जी लाख चिल्लाते रहे कि भाई ठीक है, हम ब्राह्मण तो हमारी पहचान है, हम उसके अनुसार अपना आचरण करें, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और दूसरा, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन ही मुख्य है। कभी था डॉक्टर रघुनाथ सिंह जी ने बताया कि 52-57 तक 50-52 एमपी लोकसभा राज्यसभा मिल के रहते थे, आज गिनती के आप देखें कि 1-2 लोग उंगली पर गिने जाते हैं। तो ये आज राजनीति प्रधान युग है, जिसका संगठन है, संगठित है, उसकी पहचान है। आज वो कनौजियों की तरह से भूमियारों में भी कोई गांव नहीं है जहां दलबंदी खटपट, कोई पुरानों की बात मानने को तैयार नहीं है, और ये हमारे पतन का बहुत बड़ा कारण ये होता जा रहा है कि जबरदस्ती अकड़बाजी। हालांकि वो लोकल ये नहीं है कि नहीं हम किसी दूसरे से जाकर के लड़ भिड़ सके, वह बात नहीं। पुराने लोग जो छोटे वर्ग को मिला करके अपने साथ रखते थे, वहां से वह भी दोष हम लोगों में आ गया है। स्वामी जी ने किसान खेतिहर और मजदूर खेतिहर दोनों की एकता की बात स्थापित की थी, लेकिन उसके अभाव में देख ही रहे हैं हम लोगों की खेती बाड़ी सब खत्म होती जा रही है। कोई गांव नहीं है जहां 10-5 बीघे भूमि हर साल 9 बिकती हो, आप लोग तो वहां हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि आज हमारे पास संगठन है। पहले हर गांव में कुछ सरदार होते थे, उनकी बात मानी जाती थी, अब सब अपने मन के बिना मेड़ का पानी है, जहां जो इसका मर्जी करे। इस चुनाव ने भी, खास करके गांव पंचायती के चुनाव ने इसको और प्रभावित किया है कि झगड़ा फसाद आपस में ही हो रहा है। अब समय की मांग है कि छोटे बड़े इसको भेद को थोड़ा दूर करें, हम संगठित हों। स्वामी जी ने अपने समय के दो बड़े चिंतकों महात्मा गांधी और मार्क्स दोनों से कुछ प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी से अहिंसा सत्य और मार्क्स से वर्ग भेद, वर्गहीन समाज, लेकिन दोनों चीज थी कि ढुलमुल नीति जो महात्मा गांधी थी उसके वे
बिल्कुल सहमत नहीं थे। और मार्क्स का ये जो जबरदस्ती छीनने लूटने हड़पने वाली नीति थी, इसका भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। कम्युनिस्टों ने गांव में मजदूरों को यही भड़का करके और खेती को एकदम सत्यानाश में मिला दिया। समाज को अब जो शिक्षित हैं, हम लोग भी चाहे यहाँ हैं चाहे आप वहां हैं, पहले यह भाव था कि जो कमजोर होते थे उनके उनकी मदद की जाए, उनको कैसे जोड़ा रखा जाए। भोज में कई पीढ़ी से हमारी भयवदी किस्से है, इस पर बड़ा गर्व किया जाता था। आज वो सब चीजें राजनीति प्रधान हो गई हैं, जिससे संबंध राजनीतिक है, फट से जुड़ रहा है आदमी और फिर खटपट हुआ, दल बदल हुआ तो टूट जा रहा है। ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और परस्पर संगठन बन नहीं पाया। भाषण तो बहुत किया जाता है लेकिन चल नहीं रहा है। उन्होंने मार्क्स के वचन पर दरिद्र नारायण की सेवा, इसको उन्होंने गीता के माध्यम से मन लेकिन मन वाणी कर्म की एकता भी होनी चाहिए। तो वहां हम इस पर पूरा खरे उतर नहीं पाते। स्वामी जी ने गीता में भी अध्यात्म और साम्यवाद का समन्वय ढूंढा था और उसकी मार्क्सवादी व्याख्या की थी, लेकिन वहां जो आपसे पहले निवेदन किया कि मार्क्स में जो हिंसा या दूसरों की जबरदस्ती थी, इसको उन्होंने नहीं माना, इसको अनिश्वरवादी दृष्टिकोण का करके अस्वीकार कर दिया और नया रास्ता चुना जिसमें साधन की पवित्रता अर्थात व्यक्तित्व में नैतिकता और आचरण की शुद्धता, इस पर वो अडिग रहे। आसक्ति युक्त कर्म के स्थान पर निष्काम कर्म यानी स्वार्थ रहित कर्म पर उन्होंने बल दिया। तो स्वामी जी के जो तीन कार्य हैं, पहला अपनी जात का उद्धार, दूसरा राष्ट्र आंदोलन और तीसरा किसान आंदोलन, ऊपर से देखने में ये तीनों अलग अलग दिखते हैं लेकिन सभी के भीतर यथार्थ कर्म का भाव है, अर्थात प्राणी मात्र के हित के लिए कर्म करने। मार्क्स यहाँ तक है, यहाँ तक वे मार्क्स के साथ चलते हैं, किंतु आगे बढ़ करके जो गीता में ईश्वरार्पण कर्म कहा गया है वहां मार्क्स को भी छोड़ देते हैं और निष्काम भाव से राग द्वेष रहित कर्म, ये इस रास्ते पर चले। फिर समत्व बुद्धि, जिसमें अपने पराये से ऊपर उठ करके समाज हित में कर्म करने का भाव, इस पर अद्वैतवादी दर्शन की छाप है। हर काम को ईश्वर का कर्म समझ करके जनता की सेवा को उन्होंने ईश्वर की भक्ति, और इसी को गीता में सर्वभूत हिते रतः कहा गया है, यहाँ वे जुड़ते हैं। यही स्वामी जी के ईश्वर धर्म और कर्म संबंधी विचार हैं। यहाँ व्यास जी से भी वे बहुत प्रभावित हैं। व्यास जी ने अपने 18 पुराणों का निचोड़ एक श्लोक में बताया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनत्वं परोपकाराय न पुण्याय पापाय न परिपीडनम्। अर्थात 18 पुराणों का निचोड़ यही है कि परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है और पापाय न परपीडनम, दूसरे को कष्ट देने से बढ़ा कोई पाप नहीं है। अगर इतने पर भी हम लोग चलें कि हम दूसरे को कम से कम उसको कोई घृणा या निंदा या उसको कष्ट न दें, तो भी ये ब्राह्मण का चरित्र है, ब्राह्मण का ये धर्म है। इसको उन्होंने समाज सेवा राष्ट्र सेवा से भी जोड़ा।
दान अहिंसा ये मनुष्य की श्रेष्ठता के लक्षण हैं। राजा नहुष ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, सत्य इंद्रिय दमन, मन का दमन, इंद्रिय निग्रह, तप, दान, अहिंसा और धर्म, इन ये मनुष्य की श्रेष्ठता के लक्षण हैं। हे नाथ, जाति और कुल इसमें कहीं बाधक नहीं है कि हम श्रेष्ठ जाति या श्रेष्ठ कुल में पैदा हो गए तो हम उच्च हैं और जो नहीं है। तो यहाँ आकर के ब्राह्मणत्व को उन लोगों ने जन्मना से अधिक, महाभारत कार भी ब्राह्मणत्व को जन्मना से अधिक कर्मणा कहते हैं। कर्म में हमारे ब्राह्मणत्व नहीं है, उदारता नहीं आई है, विनम्रता नहीं है, दूसरों के प्रति सहानुभूत का भाव नहीं है, तो हम जात से ब्राह्मण भले हों, हम वो ब्राह्मणत्व नहीं। कर्म त्याग, क्योंकि इसी के भीतर से निकल करके ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब अलग अलग गए। तो पवित्र आचरण को सबसे मुख्य स्थान दिया गया, अनुशासन पर्व। मुनि महाराज भी आचरण की पवित्रता पर जोर देते हैं। मान लीजिए बहुत कुछ संभव नहीं है, लेकिन दूसरे की बुराई, दूसरे को परपीड़न, इससे तो आदमी स्वतः बच सकता है। मेरा निवेदन इसी पर केंद्र में है कि आज चाहे ठीक है यज्ञ करना या वेदाध्ययन या जंगल जाके, तब ये सब अब संभव नहीं है, लेकिन विनम्रता, सादगी, दूसरे के जो बन सके किसी के का भला करें, अहित तो हम बिल्कुल न करें, तब भी ये ब्राह्मण का लक्षण या कुछ उसका आचरण हम पूरा करते, उस पर खरा उतरते हैं। तीर्थयात्री के लिए भी एक निर्देश है कि वो उसको प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए भूल के भी, तभी उसको तीर्थ सेवन का फल मिलता है। प्रतिग्रहाद या वृत्त, जो पास में हो हमारे उसी से संतुष्ट रहें, और अहंकार रहित अगर हैं तो पर्याप्त है। व्यास जी भी कहते हैं कि मन और इंद्रियों का संयम, एकाग्रता सबसे बड़ी तपस्या है, यह सब धर्मों में श्रेष्ठतम धर्म है, इसीलिए परम धर्म की संज्ञा उन्होंने इसको दी। जगह जगह जैसे तुलसीदास, परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, अहिंसा में केवल जीव हत्या ही नहीं है, किसी से हम कटुवादन न करें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, यही असली सच्ची अहिंसा है कि अपने से किसी का हम भला नहीं कर सकते तो किसी का अहित, किसी का बुरा करने का तो ईश्वर ने हमको कोई अधिकार ही नहीं दिया है। अहिंसा में चूंकि दूसरे को कष्ट न पहुंचाने की बात है, इसलिए उसको परम धर्म की संज्ञा दी गई।